हाँ भाई दोस्तों, क्या हाल चाल है। तो मैं आपकी हेमा शर्मा, हेमा श्री एक्चुअली, बहुत दिनों बाद वीडियो अपलोड कर रही हूँ। उसके लिए सबसे पहले मैं आप सबसे माफ़ी चाहती हूँ, क्षमा चाहती हूँ। लेकिन आज की जो वीडियो है बहुत खास होने वाली है। तो अगर आप आज पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं तो सबसे पहली बात आपको मेरा चैनल सब्सक्राइब करना है। मैं देख रही हूँ कि मेरे सब्सक्राइबर जो हैं कम हो गए हैं। खैर, गलती उनकी नहीं है, क्योंकि जब मैं वीडियो अपलोड ही नहीं करती तो कोई भी मेरे साथ क्यों बना रहेगा। लेकिन जैसे कि आप लोग जानते हैं कि मैं एक कलाकार हूँ, मुझे बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं। शूटिंग होता है, मीटिंग्स होती हैं, ऑडिशंस होते हैं, तो YouTube पे वीडियो अपलोड करना इतना आसान नहीं होता। चलिए अब बात करते हैं मुद्दे की। तो आज मैंने, आप जैसे देख सकते हैं कि मैंने ब्लैक कलर की साड़ी पहनी है, तो ये वीडियो जो है अगेन स्पेशली फॉर गर्ल्स है, बट कहीं ना कहीं लड़कों से रिलेटेड है। तो इस वीडियो में खास क्या है, मैं आपको बताती हूँ कि लड़कों को आखिर क्या पसंद है, चाहे लड़के हों, चाहे आदमी हो, चाहे 42 प्लस 45 हो या 25 टू प्लस 30 हो, तो किसी भी जनरेशन के हो, लेकिन उनको क्या पसंद है, वो लड़की के अंदर क्या देखना चाहते हैं, लड़की को किस तरीके से देखना चाहते हैं, तो वो सिर्फ आपको मेरी वीडियो में मिलेगा। तो जिस तरीके से आप देख पा रहे हैं कि इस वक्त मैंने ब्लैक कलर की साड़ी पहनी है, बहुत सिंपल साड़ी मैंने पहनी है, लखनवी इस पे काम हुआ है और यहाँ पर कुछ ये बॉर्डर लगाया हुआ है। सो एंड विद दिस आई एम वियरिंग झुमका जो एक्चुअली गोल्ड के हैं, और गले में आप जिस तरीके से देख सकते हैं मैंने कुछ नहीं पहना है, और बहुत ही कम मैंने मेकअप किया हुआ है। जिस तरीके से आप देख सकते हैं मैं मेकअप हमेशा बहुत कम करती हूँ। तो ये वीडियो इसलिए खास है कि आपको ये पता होना बहुत ज़रूरी है कि लड़कों को आखिर किस तरीके का मेकअप पसंद है। मैं आपको ये बता देती हूँ, किसी भी लड़के को ज़्यादा मेकअप वाली लड़कियाँ बिल्कुल पसंद नहीं है, चाहे आप किसी भी कैटेगरी के क्यों ना हो। आइदर आप यंग हो, आइदर आप जो मिड एज होती है, आइदर आप ओल्ड एज के हो, किसी भी लड़के को, इवन लड़कियों को भी। सो आप प्लीज़ सबसे पहले आप मेकअप करना कम शुरू कीजिए, और अपनी आँखों को आप बिल्कुल भी जो मेकअप होता है उससे बिल्कुल भी मत थोपिए, मत लगाइए, बिकॉज वो आर्टिफिशियल लगता है। कोई भी लड़का जो है आपको आंखों में आंखें भर के देखना चाहता है, तो प्लीज़ सबसे पहले आप अपनी आंखें जो है कम रखिए, जिससे कोई भी लड़का आपको प्यार से दिल जी भर के देख सके। तो अगर आप और सिंपल लगना चाहती हैं, जैसे कि मैं अभी लग रही हूँ इस वक्त, तो आप गले में एक छोटा सा नेक पीस डाल लीजिए और कान के जो है इयररिंग्स छोटे कर दीजिए। और अगर आप किसी पार्टी या शादी में जा रही हैं तो आप कोशिश कीजिए कि थोड़े झुमके बड़े हों, कान आप गले में कुछ ना पहने, बिकॉज अगर आप दोनों गले में और कान में पहनती हैं तो फिर वो पार्टी वियर या बहुत ज़्यादा हेवी लुक दे देता है। और अगर आप कान में बड़े झुमके पहने हैं और फिर आप वापस लाइक सेटल लगना चाहती हैं, सिंपल लगना चाहते हैं, तो फॉर दिस यू कैन वियर ओनली वॉच। अगर आपके पास अच्छी घड़ी नहीं है जिसमें आपको डाउटफुल है कि आई डोंट हैव नाइस वॉच टू वियर, तो आप साड़ी के मैचिंग से बैंगल्स पहन सकती हैं वो, लेकिन कोशिश कीजिए कि आप एक ही हाथ में पहने, बिकॉज जब आप एक ही हाथ में बैंगल्स या कुछ भी ऐसी चीज़ पहनते हैं तो वो सोबर लगता है, वो सेटल लगता है। सो आई होप ये वीडियो में आपको मेरे बहुत ही मैंने खास टिप दी है कि आखिर लड़कों को क्या चाहिए, मर्दों को क्या पसंद है, चाहे आप शादीशुदा हो, चाहे आप मैरिड हो, चाहे आप टीनेजर कॉलेज गर्ल हो या जो भी हो, व्हाटएवर। लेकिन मुद्दे की बात यह है, खास बात यह है कि लड़कों को ज़्यादा मेकअप पसंद नहीं है। बहुत सी लड़कियाँ आईज मेकअप इतना डरावना कर लेती हैं कि वो खूबसूरत नहीं चुड़ैल लगने लगती हैं। तो प्लीज़ आप जो भी मेकअप करती हैं, आप पहले अपने आप को देखिए आईने में, क्या आप अपने आप को 10 बार देख सकती हैं? अगर आप देख सकती हैं तो लड़का भी आपको ज़रूर 5 बार देख ही सकता है। सो गाइज, आपको ये मेरी वीडियोज़ कैसी अच्छी लगी, कितनी अच्छी लगी और कितनी रियल लगी, मुझे कॉमेंट में ज़रूर बताना। और यस, अगर आप पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर करना। माय चैनल नेम इज हेमा श्री। जल्दी मैं कल वापस से एक अच्छी वीडियो लेकर आऊंगी कि किसको क्या पसंद है। ओके, देन बाय बाय, टेक केयर, लव यू।